हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सारंग है और मैं आपका करियर अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जॉब रिक्रूटमेंट एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ से होने वाली है। चलिए देखते हैं। आज की जॉब रिक्रूटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। किसी भी जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में अप्लाई करने से पहले हम अपने चैनल पर उस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रन होने वाला डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, जिसमें कुछ मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनियाँ होती हैं और वो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए अनेक प्रकार के वैकेंसीज लेकर आते रहती है। आप लोगों को पता है कि ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद एक या दो साल का अप्रेंटिसशिप किया जाता है। जी हाँ, और वही अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया जाता है। ये डिपार्टमेंट हमारे देश में 5 अलग अलग लोकेशन पे है। उनमें से एक लोकेशन है नॉर्दर्न रीजन, जहाँ पर आज जॉब रिक्रूटमेंट आई है। जी हाँ, ये अप्रेंटिसशिप से बिल्कुल अलग है। ये एक जॉब रिक्रूटमेंट है जो कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। और एक डिपार्टमेंट होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप जो अप्रेंटिसशिप होती है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रन किया जाता है। हमने आपको बताया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के बारे में, और वही कंपनियां नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा अपनी कंपनीज में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज लेकर आती है, जिन्हें अप्लाई करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट करना होता है, जिसके द्वारा हम अप्लाई करते हैं। ये तो बात हो गई बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के बारे में। अब हम मेन बात करते हैं आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आज की जॉब रिक्रूटमेंट है कानपुर रीजन की तरफ से। जी हाँ, नॉर्दर्न रीजन की तरफ से, जिसका बेस कानपुर सिटी में है। चलिए देखते हैं। ये रिक्रूटमेंट 30 जुलाई 2021 को आई थी और आज है 13 अगस्त 2021। जी हाँ, हमें बहुत लेट पता चला है इस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, और इस जॉब रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट है 30 अगस्त 2021। चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जॉब रिक्रूटमेंट आई है, पर हमारे चैनल पे जितने भी यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मोस्टली या तो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, या जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो चलिए हम सीधे उन्हीं प्रकार के जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कोड डी में जॉब रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही है। जॉब पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, और ये जनरल कैटेगरी के लिए आया हुआ है, वैकेंसी है। यहाँ पर एक ही सीट है, और अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 7th पे कमीशन की तरफ से Level 4 Cell 1, और बेसिक पे रहेगा 25,500 रुपये का। जी हाँ, आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी लगभग 40,000 पर मंथ की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th किया है, आपका शॉर्ट हैंड पर 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड है इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर आपका कंप्यूटर टाइपिंग पे 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड है, तो आप लोग इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। जी हाँ, अगर यदि हम एज ग्रुप की बात करें, अगर आपने 30 इयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 30 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है या आपका 30 इयर्स रनिंग है अकॉर्डिंग टू 30 अगस्त 2021, तो आप इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगली जॉब रोल के बारे में देखते हैं, जो है पोस्ट कोड ई के तरफ से अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की, और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है, और इसके बाद सैलरी 40,000 पर मंथ का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं, वर्किंग नॉलेज है आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ायरेबल। पहले हम डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस प्रकार की स्किल्स हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस जॉब रोल में आपको इसी प्रकार के स्किल्स से रिलेटेड काम होगा। जी हाँ, तो इस जॉब रोल में अगर हम देखें तो आपको नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट का, या फिर आपको अगर यदि आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में इस प्रकार के काम का, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस जॉब रोल पर सिलेक्शन होने के बाद आपको इसी प्रकार का काम किया जाएगा। अगर यदि हम एज की बात करें तो आपके पास
32 ईयर्स तक का समय है। अगर आपने 32 ईयर्स क्रॉस कर लिया है तो आप इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी 32 ईयर्स के अंदर हैं तो आप लोग बिल्कुल इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जॉब रोल के बारे में बात करें तो आ रही है लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं और एक रिजर्व पोस्ट रखा गया है फिजिकल बैकवर्ड के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी की तरफ से ही होगा। अगर यदि हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपको 7 पे कमीशन की तरफ से पे लेवल 2 सेल 1 19,900 रुपये का बेसिक रहेगा। आपकी सैलरी लगभग 35,000 पर मंथ की रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने यहाँ पर अगेन 10th किया है और आपको नॉलेज है टाइपिंग का इंग्लिश में 30 वर्ष पर मिनट का। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 30 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट कोड है ग्रुप जी की तरफ से, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी। और यहाँ पर 2 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और जो सैलरी रहेगा वो पे लेवल 1 का है और यहाँ पर आपका बेसिक पे रहेगा 18,000 रुपये। अगर यदि हम सैलरी की बात करें तो लगभग आपकी सैलरी 28,000+ पर मंथ होने वाली है। अगर यदि आपने मेट्रिकुलेशन किया है और ITI किया है तो आप इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पर अगेन डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आपको नॉलेज है ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन ऑपरेट करने का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपको एक्सपीरियंस है ऑफिस में दफ्तरी प्यून स्वीपर ETC का काम करने का, तो आप लोग बिल्कुल इस जॉब रोल पर अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब रोल में अप्लाई करने के लिए आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारे सिर्फ और सिर्फ काम का एक 9th नंबर का पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो 30 अगस्त 2021 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दिखाई दे रहा है हाउ टू अप्लाई। जी हाँ, हम इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ बने रहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें फीस के बारे में तो हमने जिस पोस्ट के बारे में देखा है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आपको जो फीस रहेगा वो 500 रुपये रहेगा, 500 रुपये। और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है डायरेक्टर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन कानपुर पेबल एट कानपुर के नाम से। जी हाँ, यहाँ पर आपको SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं पे करना है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर यदि आप ST SC और PWD कैंडिडेट हैं तो शायद ही आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ST SC कैटेगरी वालों के लिए फीस अप्लीकेशन माफ़ करने का किसी भी प्रकार का कोई सेंस नहीं बनता। जी हाँ, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट, जो कि हमें 30 अगस्त 2021 के अनुसार ही चेक करके अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इस जॉब रोल में आपके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि आपको एक टेस्ट देना होगा और कुछ स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो जो टेस्ट और इंटरव्यू जो भी रहेगा स्किल टेस्ट वगैरह वो आपको कानपुर सिटी में ही होगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पर मैक्सिमम 5 कैंडिडेट्स को मेरिट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा और उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट टेस्ट इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी और एक एलिजिबल कैंडिडेट चूज़ किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपली बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप नॉर्दर्न रीजन की वेबसाइट पर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स फिल करना है और साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार के पेज में आप पहुंच जाएंगे। इस पेज में जितनी भी डिटेल्स है आपको फिल करना है और फिल करने के बाद, जी हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि इस जॉब रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने से पहले आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए, जिसका आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। उस डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड फिल करना है और यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर टिक करके अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपको इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आप सभी अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए।